पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गंगा स्नान को लेकर नगर निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रवार को गंगा स्नान का त्योहार पूरे देश में मनाया जाएगा। हिंदुओं का ये पर्व आस्था को दर्शाता प्राचीन सभ्यता के हिसाब से भक्त भागीरथ ने घोर तपस्या कर गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए थे और ऋषि मुनियों का कहना है कि गंगा मैया में स्नान कर सभी के पाप कट जाते हैं और मनुष्य साफ सुथरा हो जाता है। इन सब बातों को लेकर पब्लिक टीवी इंडिया की टीम मुरादाबाद के रामगंगा तट पर पहुंची और सभी तैयारी का जायजा लिया तो नगर निगम द्वारा सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही नजर आई, तो कहीं गंदगी का अंबार था तो कहीं कूड़ा नजर आया। देखने वाली बात यह है कि कल गंगा स्नान है और रामगंगा में जल तक नहीं है, ये तो आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। अब देखना ये होगा कि गंगा स्नान का पर्व हर साल ऐसे ही मनेगा या फिर कोई सुधार भी होगा। स्नान का पर्व आने वाला है, इसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उसी का जायजा लेने के लिए पब्लिक टीवी की टीम मुरादाबाद के रामगंगा तट पर पहुंची है और यहां का जायजा लिया। जी हां, यहां प्रशासन द्वारा तैयारियों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई है। सफाई अभियान चलाया गया लेकिन कहीं कूड़ा छोड़ दिया गया है तो कहीं वहीं का वहीं जस का तस वहीं पड़ा हुआ है। और दूसरी बात कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ भी किया जा रहा है। रामगंगा तट पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। कल श्रद्धालु लोग आएंगे और गंगा तट पर कहाँ स्नान करेंगे। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा हर वर्ष इसी तरह गंगा स्नान मनाया जाएगा या फिर इसमें कुछ सुधार भी किया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप सिंह, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद।